नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सएम टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुलिस महानिरीक्षक का मैनपुरी दौरा। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक आगरा का दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज शहर के संभ्रांत लोगों को भी पुलिस लाइन में बुलाया और उनकी समस्याओं को समझा और निराकरण करने के आदेश दिए। पुलिस विभाग में भी परेड को लेकर संतुष्ट नहीं दिखे। महानिरीक्षक ने ट्रैफिक और पुलिस विभाग में फाइलों के रखरखाव पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच समय समय पर संवाद होना चाहिए, जिससे जनता और पुलिस के बीच रिश्ता अच्छा रहे। इसी दौरान सदर विधायक राजकुमार यादव और करहल विधायक ने उनका सम्मान किया। महानिदेशक ने शिकायत पेटिका में 4 महीने पुराना शिकायत पत्र देखकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मैनपुरी के मोस्ट वांटेड गुड्डू चौहान की गिरफ्तारी के संबंध में कहा कि अगर 1 महीने में गिरफ्तार नहीं किया गया या इसी दौरान आगरा की पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो मैनपुरी पुलिस पर कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए मैनपुरी पुलिस उसे शीघ्र गिरफ्तार करे। इसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। दौरे पे आए हैं, निरीक्षण भी किया है कार्यालयों का, क्या कुछ मिला मैनपुरी में? वार्षिक निरीक्षण हम लोगों का एक निर्धारित पैटर्न और कार्यक्रम होता है। इसके तहत इस बार मैनपुरी से शुरू किया गया है और इसमें पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, इसके अलावा एक थाने का, एक सर्कल के ऑफिसर का, LIU ऑफिस और जितने भी शाखाएं होती हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें लाइन में देखी गई, बहुत डिटेल में बताया मैंने। कुछ चीज़ों में जो हमें सुधार की ज़रूरत है, खासतौर पर इंग्लिश ऑफिस में LIU की वर्किंग में कुछ जगह पर सुधार देखा गया है जो करना है, और रिकॉर्ड रूम वीड आउट वगैरह में हमें और काम करने की ज़रूरत है। पनिशमेंट की फाइलें बहुत तेज़ी से डिस्पोज करना है, जिससे कर्मचारियों के ऊपर मानसिक दबाव ना रहे और जो भी निर्णय लेना है उसको जल्दी लेना है। अकाउंट में जो कुछ लोगों के जो बिल हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट के, उसको ठीक तरीके से हमें जल्दी सॉर्ट आउट करना है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही बिल और GPF वगैरह के भुगतान होने चाहिए, उनके रजिस्टर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस थाने का इंस्पेक्शन बचा है अभी, CO ऑफिस की पेशी का निरीक्षण किया गया, उनके यहाँ जो भी कमियाँ थी क्राइम में, SR फाइल में वो बताई गई हैं, जांचों में कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन में परेड का स्तर अभी अपेक्षित स्तर का नहीं है, रिक्रूट्स की ट्रेनिंग में भी और सुधार की ज़रूरत है। गेस्टेड ऑफिसर्स को परेड का ज्ञान कम प्रतीत हो रहा है, चूँकि वो रेगुलर शायद टच में नहीं है। गाड़ियों के रखरखाव मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। घरैया लाइन की और परिसर की साफ़ सफाई बेहद अच्छी है। कुछ लोग यहाँ जानवर रखे हुए हैं, उस पर भी एक निर्णय लिया गया कि उनके बारे में SP साहब डिसाइड कर लें कैसे उसको करना है। आज 2 महत्वपूर्ण चीज़ों का यहाँ इनॉग्रेशन भी हुआ है, जिसमें महिला बैरक है और सलामी मंच बनाया गया, और उन दोनों के लिए मैं SP साहब और उनकी टीम को बधाई भी देता हूँ। और इसके बाद जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है, प्रेस के साथ वार्ता हुई है और जनता के साथ उनके सुझाव, समस्याएं और विचार लिए गए हैं और उसमें हम लोग काम करेंगे, उसको और सुधारेंगे। ओवरऑल सर निरीक्षण की बात करें तो कैसा रहा? ओवरऑल कहेंगे तो SP साहब के आने के बाद से हालांकि काफ़ी मेहनत हुई है, लेकिन अगर मैं इसको रेटिंग करना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं इसको बी ग्रेड ही अभी दूंगा, मैं उसको B+ या A ग्रेड अभी देना नहीं चाहूँगा, थोड़ा और इसमें सुधार। सर, एक गुड्डू चौहान एक लाख का इनाम या काफ़ी टाइम से मैनपुरी पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ, उसके लिए कुछ आपने जी निर्देशित किया है? बिल्कुल, गुड्डू चौहान पर लगातार अब हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, पहले भी एक आध बार समीक्षा हुई है। SCO सिटी और एडिशनल SP को इसका नोडल बनाया गया है कि कंप्लीट इसको 1 महीने के अंदर वो प्रोग्रेस करके देंगे, और ये भी बताया गया कि अगर 1 माह में ये काम नहीं होता है तो रेंज की पुलिस के लिए, सभी प्रकार की पुलिस के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आगरा पुलिस को भी इसकी टास्किंग कर रहा हूँ कि यदि वो पकड़ लेते हैं तो फिर यहाँ की जो टीम बनी है उसके खिलाफ मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए XMT न्यूज पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।